और देखिए, दो दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का आगाज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और वहां मेरे आग्रह पर प्रयागराज आए, 400 लोगों का डेलीगेशन था। हमने वहां स्नान करने के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन जब इस संगम पर आए, उन्होंने वहां पर लाखों लोगों को स्नान करते हुए देखा तो उन्होंने कहा, क्या मैं भी स्नान कर सकता हूं? मैंने कहा, आप आए हैं, अगर आपको लगता है कि ये संगम स्नान करने लायक है तो अच्छा होगा। और उनके साथ 400 लोगों का डेलीगेशन था, उन्होंने अपने परिवार के साथ, सभी जितने भी मॉरिशस से आए हुए लोग थे, सबने संगम में डुबकी लगाई और जल भर भर करके मॉरिशस लेकर के गए। ये दिखता है कि परिणाम आने में देर नहीं लगती, थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता होती है और उस प्रयास में हम भी भागीदार बन सकते हैं। प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करके हम अथर्ववेद के उस सूक्त को, जो हमें इस धरती माता के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति आग्रही बनाती है, उस उत्तरदायित्व में हम भी खड़ा उतर सकते हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय किया है, यादव प्रधानमंत्री जी ने नेशनल फार्मिंग की जब बात की तो गौ आधारित खेती के लिए गौ माता की भी रक्षा होगी, साथ साथ विष मुक्त खेती भी हम लोग देने में सफल होंगे। और विष मुक्त खेती के लिए ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए गंगा के तटवर्ती सभी 27 जनपदों में और बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती के लिए एक स्पेशल इंसेंटिव देकर के उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चल रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, इन दोनों प्रकार की खेती को 1,30,000 हेक्टेयर भूमि में हम जैविक और प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम को लागू कर चुके हैं और तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है।